हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव विद किशनील में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सॉरी आप सबसे कि मेरी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और राखी वाले दिन कुछ रात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती, पर आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिंदगी में इतने आप जाऊ ना रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और कुछ लोग बिल्कुल मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे चैनल से रिलेटेड भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है मैं वीडियो क्यों डालती हूँ, और वो मेरे कुछ जानने वाले ही हैं। तो प्लीज गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगा, तो हो सकता है मैं उस टाइम वीडियो बिल्कुल भी ना डालूं और आप लोग वीडियोस भी नहीं देख रहे, काफी टाइम से व्यूज भी नहीं आ रहे उतने ज्यादा। शायद वीडियो अच्छी नहीं होगी या फिर कुछ और रीजन होगा, मुझे नहीं पता, पर इस टाइम से मैं बहुत प्रॉब्लम है जो मैं नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ लोग मेरे जानने वाले भी हैं, इसलिए मैं या अभी नहीं इसको ओपन कर सकती। पर प्लीज आप मुझे मेरे लिए प्रे करिए गाइस। और मेरी तबीयत राखी वाले दिन से खराब है कंटिन्यू, मुझे अभी भी फीवर है और मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। बोलते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ का असर होता है, तो आप मेरे लिए प्रे करिए। बस मैं यही चाहती हूँ आप सबकी प्रे की, मुझे बहुत जरूरत है गाइस। और मेरे चैनल को प्लीज पूरा सपोर्ट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी तबीयत जैसे ही ठीक होती है मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, वीडियो को प्यार और सपोर्ट दें। मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं थी पर मैं वीडियो बनाई हूँ। दो तीन दिन से मैं लगातार लेटी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। चार पांच दिन से जो मैंने वीडियो पहले से प्री शूट करके रखी थी वही डाली है, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है इस वीक में। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा और अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है। और आप मेरी फैमिली हो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है इस वजह से।